तो आप जिस दिन पहले आए थे उस दिन समस्या थी पेट में गैस बनना, और गैस पेट में भर करके गैस ऊपर चढ़ना, गर्दन भारी होना, सिर भारी होना। उस गैस में आपको कितना आराम मिला है? और एक जो चीज बताई जाती है ना कि एक चीज से बिल्कुल बेहतरीन आराम हो जाए, तो उसके बारे में आप अपने एक्सपीरियंस जो भी आपको फील हुआ ना बताएं। जनरली और दूसरे ट्रीटमेंट तो हर एक हॉस्पिटल में सेम ही होते हैं, लगभग सेम होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो स्पेशल बात बताई मुझे वो ये थी कि मैं रोटी चबा चबा कर खाऊं, और वो भी 60, एक कौर को 60 टाइम्स। मैंने कभी ऐसा किया नहीं था, मैं 30 टाइम्स भी नहीं चबा पाती थी। और डॉक्टर साहब को यही बोला कि भाई 30 टाइम्स मैं रोटी को चबा नहीं पा रही हूँ, तो अब 60 टाइम्स कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि मैं 100 टाइम्स चबा सकता हूँ। जब वो 100 टाइम्स चबा सकते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस मैंने देखा, उस कॉन्फिडेंस से मुझे भी बल मिला और मैंने रोटी को 70 to 80 टाइम्स चबाना सीख लिया, मतलब एक कोर्स 70 to 80 टाइम्स। अच्छा, पहले दिन जब अपने जैसे बोला था कि अपने को 60 बार चबाना है, तो क्या अपने को लगा था कि 60 बार चबाना पॉसिबल नहीं है? ऐसा महसूस हुआ था? ऐसा महसूस हुआ था मुझे, मैं कभी कर ही नहीं पाई जिंदगी में, 30 टाइम्स ही नहीं कर पाई। तो 60 टाइम्स तो बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। अच्छा, ये चबाने से आराम कितना हुआ? मेरे को 85% आराम हुआ चबाने से। अच्छा, केवल चबाने से? जिनको गैस बनती है उनके लिए कहावत तो शुरू से ही चली आ रही थी कि एक कौर को 32 बार चबाना है। 32 बार इसलिए कहते थे कि बोले 32 दांत हैं, बोले एक दांत से एक बार चबाओ। ऐसे तो ये भी कहावत पूरी हो जानी चाहिए फिर, जिनके जैसे दांत नहीं है वो तो बिना चबाए ही निकल लें। नहीं, ऐसा तो गड़बड़ी हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि मैं भी बूढ़े होने के करीब पहुंचूंगे, मेरे ही दांत जाएंगे, तो जब दांत जाएंगे तब भी मुझे वो 60 बार या 100 बार जो भी जितना भी मैं कर सकती हूँ अगर चबाऊंगी तो वो बुढ़ापा ढंग से गुजरेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, एक चीज ये रहती है कि आपको एक कहावत और शुरू से ही मैंने बचपन से सुनी है कि खाने को पिए पानी को खाए, खाने को पिए पानी को खाएं। जैसे जनरली जब बोला जाता है तो लोगों को ये लगता है ला पानी खा लो, तो हमारे यहाँ मजाक भी करते हैं लोग, बोले खान लाओ आओ खाना पी लेते हैं या लाओ चलो पानी खा लेते हैं। लेकिन सही तरीका खाने को खाने का यही है कि खाने को बिल्कुल मुंह में दांतों से चबा चबा के बिल्कुल पानी के जैसा कर दिया जाए तो पाचन संबंधित समस्याएं तो निश्चित ही खत्म हो सकती हैं। और ये आपने मैंने किया और दूसरे लोगों को, जैसे आईटी वाले मेरे बच्चे हैं जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, जब मैंने उनको बोला कि मेरे साथ ये हो रहा है इसकी वजह से मुझे 85% रिलीफ है, जो इस चीज को मानते नहीं थे, उन लोगों ने भी ये महसूस किया भाई ब्रेन को सिग्नल्स मिल रहे हैं, ब्रेन को जब सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे सीक्रेट करे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चबाने का जो राज है कि चबाने के फायदे किस तरीके से होते हैं ये मैं बताता हूं, आप बताओ कि वो आपको फील हुए क्या। पहला, चबाने का जो फायदा होता है कि दांतों से खाने को पीसा जाता है, तो पीसते हैं तो
क्योंकि दवाइयां जितना उपयोग में ली जाएंगी उतना डेफिनेटली धीरे धीरे करके नुकसान करेंगे। नहीं नहीं कर, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, मैं वो पहले महसूस कर चुकी, मैं तो 20-25 साल से नेचुरोपैथी में ही ट्रीटमेंट ले रही। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल।